माइटोसिस अंडर को करते हैं जिससे बेसिकली ज्यादा बेजल सेल्स बनते हैं एंड वट हैोर एस सी आर कम्पेयर टू देरफल सेल्स और ज्यादा लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं जब से, तो से बेचस एक बार अपनी सिक्रिपेशन सेंड कर चुकी है ना फिर क्या होता है तो जो न्यूली प्रोड्यूस्ड राउंड सेल्स होते हैं ना वो मूव करते हैं टुअर्ड्स अ सेंटर उनकी शेप पॉली हीड्रल हो जाती है बीच में थोड़ा मोट पॉली हीड्रल करना होता है राइट एंड इट्स नॉट कि आपको सब कुछ ड्रॉ करना it, manner, था था um, होता है बट इफ यू ट्राई टू ऑल ऑफ यू गोइंग टू इट समन एंड अटम्पिंग ड्राइट इन दिस मैनर आपको इस थियोरेटिकल पोर्शन तो डेफिनेटली सारे याद है नो साइड प्लाजम होता है ऑफ द सेंट है जो कि पोली हो गए हैं वो ग्रेजुअली एक्ूमुलेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा फैट ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल एंड टैग्स की सूरत में और क्योंकि ये हॉलोक्राइन वराइटी के हैं ना तो बीच वाले इतने ज्यादा जब टैक्स जब कोलेस्ट्रॉल कोलेट्रल हो रही है ने रौस्ते ने रौस्ते ने तो पिकनोसिस इवेंचुअली मिडल वाले सेल्स में ना जस्ट बिफोर सिक्रीशन न्यूक्लियर खत्म हो जाते हैं सारे जो सेंट्रली लोकेटेड सेल्स ना ब्रेक डाउन होते हैं इन टू फैटील स्किन सर्फिस पर कंट्रोल ऑफ द मेल एंड द फीमेल मेल केस में टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स केस में जो ओवेरियन और एड्रीनल एंड्रोजें दोनों का एंड यू नो सीब का फंक्शन क्या होता है बेसिकली प्रॉपर स्किन टेक्स्चर हो राइट दिस एंड हेयर की फ्लेक्सीबिलिटी के लिए भी और एंटी फंगल एंड एंटीबैक्टेरियल प्रॉपर्टीज भी होती है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती बट डेफिनेटली है प्रोटेक्टिव फंक्शन मोर ऑफ हेयर की फ्लेक्सीबिलिटी के लिए स्किन की प्रॉपर टेक्स्चर के लिए एंड ऑल्सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बिकॉज ऑफ द एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टूरियल प्रॉपर्टीज अच्छा लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सिबेशियस लैंड, सिबेशियस लैंड के ऊपर